एवेंजर्स मूवी को देखने का मजा सिर्फ सिनेमा हॉल में ही है, राइट? रॉन्ग। अब आप वही सिनेमा हॉल वाली ऑडियो और वीडियो टेक्नोलॉजीज जैसे डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन का मजा अपने लिविंग रूम में भी ले सकते हैं। वेट अ मिनट, अगर आप सोच रहे हैं कि डॉल्बी एटमॉस तो ठीक है, लेकिन डॉल्बी विजन कैसे? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया में मिलने वाली टॉप 5 डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स। दोस्तों, इन साउंड बार्स को मैंने एक ही ऑडियो और एक ही वीडियो फाइल चला के टेस्ट किया है और उसी बेसिस पे इनकी रैंकिंग की है। एज ऑलवेज मैं आपको बता दूं कि आप लोग मेरे व्यूअर्स ही मेरी ताकत हैं और मैं किसी ब्रांड के स्पॉन्सर्ड कंटेंट पे डिपेंडेंट नहीं हूं और ना ही मुझे किसी ब्रांड से कोई फ्री रिव्यू यूनिट मिलते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा एनहेंस करना चाहते हैं तो डॉल्बी एटमॉस साउंड बार मत लीजिए। आप एक नॉर्मल साउंड बार से अपनी टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा के कंटेंट का मजा ले पाएंगे। एक छोटे रूम जैसे बेडरूम के लिए कम रेंज में मिलने वाली डॉल्बी एटमॉस साउंड बार्स बेस्ट होती हैं। ज्यादा पैसे खर्च करके आपका एक्सपीरियंस और ज्यादा बेहतर नहीं होगा। 90% लोग ये नहीं जानते कि उनकी साउंड बार से मिलने वाली वीडियो और ऑडियो टेक्नोलॉजीज जैसे HDR10, डॉल्बी विजन, डॉल्बी डिजिटल और डॉल्बी एटमॉस को वो डिकोड कैसे करें। इन्हें डिकोड करने के लिए चाहिए होती है एक 48 Gbps की HDMI 2.1 केबल और Amazon Fire Stick 4K। ब्रांड जो HDMI केबल देता है वो बहुत बेसिक होती है और वो बेस्ट रिजल्ट्स नहीं दे सकती। इन सभी साउंड बार्स की ऑडियो और वीडियो टेक्नोलॉजीज का पूरा मजा लेने के लिए आपको इन्हें टीवी के HDMI ARC पोर्ट से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपके टीवी में HDMI ARC पोर्ट नहीं है तो आप इनमें से कोई भी साउंड बार ना खरीदें, क्योंकि कोई भी और पोर्ट किसी भी और टेक्नोलॉजी को पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाएगा। अगर आप अपनी एटमॉस साउंड बार से बेस्ट रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो अपने रूम के अकूस्टिक्स और सब वूफर की प्लेसमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। मेरी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है सोनी का HTX8500 मॉडल। इस साउंड बार में आपको दो स्पीकर्स और दो इनबिल्ट सबवूफर्स मिलते हैं और इनका टोटल साउंड आउटपुट है 200 वॉट्स। 2.1 इंच के फुल रेंज ड्राइवर्स के साथ आने वाली इस साउंड बार के अंदर आपको एक इनबिल्ट डिजिटल एम्पलीफायर मिलेगा और ये साउंड बार सपोर्ट करती है डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस, DTS:X, DTS:HD और डॉल्बी एटमॉस को। इंडिया में डॉल्बी एटमॉस की एंट्री इसी साउंड बार से होती है। एंड आई मस्ट से, ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपीरियंस नहीं मिलता इस साउंड बार से। इस साउंड बार का आउटपुट अच्छा है लेकिन बेस मुझे थोड़ा कम लगा। डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट उतना ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन डॉल्बी डिजिटल और DTS:X का बहुत ही शानदार इफेक्ट आता है और इसका मतलब कि इस साउंड बार के हाई नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे मिड्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और डायलॉग्स बहुत अच्छे से सुनाई देते हैं। 75% वॉल्यूम पे मैं इसे बहुत ही आराम से सुन पा रहा था और साउंड बहुत बैलेंस्ड और बिना किसी डिसॉर्शन के आती है। ये सोनी की साउंड बार एक मीडियम साइज बेडरूम के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। और एक और अच्छी बात है इस साउंड बार में कि आपको 4K पास थ्रू के साथ साथ HDR10, HLG और डॉल्बी विजन कंपैटिबिलिटी भी मिलती है। पर बुरी बात यह है कि कनेक्टिविटी ऑप्शंस बहुत ही कम है सोनी की साउंड बार में। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इस साउंड बार के अंदर आपको एक HDMI इन और एक HDMI आउट पोर्ट मिलेगा जो कि एक EARC पोर्ट है और यह साउंड बार आती है ब्लूटूथ 5.0 के साथ। इस साउंड बार की विड्थ है 35 इंचेस और ये वे करती है 3.1 kgs। मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे आती है फिलिप्स की परफॉर्मेंस साउंड बार। इस साउंड बार के अंदर आपको दो स्पीकर्स, दो ट्वीटर्स और एक एक्सटर्नल सबवूफर मिलता है जिसका टोटल साउंड आउटपुट है 320 वॉट्स। 3.5 इंच के फुल रेंज स्पीकर ड्राइवर्स और 6.5 इंच के सबवूफर यूनिट के साथ आने वाली इस साउंड बार के अंदर आपको एक इनबिल्ट डिजिटल एम्पलीफायर मिलेगा और ये साउंड बार सपोर्ट करती है डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस और डॉल्बी एटमॉस को। वीडियो टेक्नोलॉजीज की बात करें तो इस साउंड बार के अंदर आपको 4K पास थ्रू टेक्नोलॉजी की सपोर्ट मिलेगी।
फिलिप्स की ये परफॉर्मेंस साउंड बार वाकई अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आती है, बहुत बैलेंस साउंड और उससे भी अच्छे मिड्स। आई सिंपली एंजॉयड डायलॉग्स इन दिस साउंड बार। बेस बिल्कुल भी ओवरपावर्ड नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बेस लवर हैं और एक थंपिंग बेस पार्टी म्यूजिक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये साउंड बार शायद आपके लिए नहीं है। एंट्री लेवल एटमॉस साउंड बार होने के बावजूद मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी और एटमॉस इफेक्ट भी ठीक लगा। सराउंड साउंड इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है और आप सब तरफ से साउंड महसूस करेंगे। इस साउंड बार का आउटपुट तो ज़्यादा है सोनी के 8500 साउंड बार से, लेकिन वीडियो फॉर्मेट्स में सिर्फ आपको 4K पास थ्रू मिलता है, HDR10 और डॉल्बी विजन नहीं, और ना ही साउंड बार पे कोई डिस्प्ले है। बट ऑल इन ऑल दिस इज अ ब्यूटिफुल एटमॉस साउंड बार फॉर दिस प्राइस। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इस साउंड बार के अंदर आपको दो HDMI इन और एक HDMI आउट पोर्ट के साथ एक USB पोर्ट और एक हेडफोन जैक भी मिलेगा। ये साउंड बार सपोर्ट करती है ब्लूटूथ SBC कोडाक को और वर्जन है 4.2। इस साउंड बार की विड्थ है 37 इंचेस और ये वे करती है 3 kg। मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे आती है सोनी की Z9F साउंड बार। इस साउंड बार के साथ मैंने सोनी के ही Z9R सराउंड स्पीकर्स को भी इंक्लूड किया है। साउंड बार के अंदर आपको 3 स्पीकर्स और एक सबवूफर यूनिट मिलेगा और सराउंड स्पीकर्स को मिला के टोटल साउंड आउटपुट बनता है 500 वॉट्स। 3.1 इंच के फुल रेंज स्पीकर ड्राइवर्स और 6 इंच के सबवूफर यूनिट के साथ आने वाली इस साउंड बार के अंदर आपको S Master HX डिजिटल एम्पलीफायर इनबिल्ट मिलेगा, जो कि सपोर्ट करेगा डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस, DTS:X और DTS:HD को, साथ में डॉल्बी एटमॉस को भी। अगर वीडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो ये साउंड बार आती है 4K पास थ्रू, HDR10, HLG और डॉल्बी विजन के सपोर्ट के साथ, और इस साउंड बार के अंदर आपको इनबिल्ट क्रोमकास्ट और गूगल वॉइस असिस्टेंट की सपोर्ट भी मिलेगी। अगर सिर्फ साउंड बार देखता तो शायद कभी भी इस प्राइस रेंज में इस साउंड बार को रेकमेंड ना करता, लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ Z9R स्पीकर्स को सुना तो समझ आ गया कि ये है शुरुआत डॉल्बी एटमॉस के असली एक्सपीरियंस की। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं बुलेट्स और हेलीकॉप्टर की आवाज अपने पीछे से महसूस करूंगा, बट सोनी की अपनी साउंड टेक्नोलॉजी S-Force Pro बस एक गिमिक ही है, लेकिन DTS:X और डॉल्बी डिजिटल को आप पूरी तरह महसूस करेंगे। मिड्स, हाइज और लोज बहुत ही बैलेंस तरीके से डिलीवर होते हैं और आपको किसी भी डायलॉग एनहेंसर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होगी। गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा दोनों को टेस्ट किया और दोनों बिना किसी लैग के काम करते हैं, पर फिर भी इस 500 वॉट वाले सिस्टम से अगर डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट थोड़ा और ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेटर होता, पर मेरी तो आदत ही है कमी निकालने की और इस प्राइस रेंज में ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इस साउंड बार के अंदर आपको दो HDMI इन और एक HDMI आउट पोर्ट मिलेगा, एक ऑप्टिकल पोर्ट भी मिलेगा, एक USB पोर्ट और एक हेडफोन जैक भी मिलेगा। इस साउंड बार के अंदर लैंड पोर्ट के साथ साथ आपको डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन भी मिलेगी और ये साउंड बार सपोर्ट करती है ब्लूटूथ 4.2 को। इस साउंड बार की टोटल विड्थ है 40 इंचेस और ये वे करती है 3.1 kg। मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे आती है LG की SL10 साउंड बार। इस साउंड बार के अंदर आपको दो साइड, दो सराउंड, दो टॉप और एक फ्रंट स्पीकर के साथ एक एक्सटर्नल सबवूफर यूनिट मिलता है, जिसका टोटल साउंड आउटपुट बनता है 570 वॉट्स। 2.5 इंच के फुल रेंज स्पीकर ड्राइवर्स, सिल्क डोम ट्वीटर्स और 7 इंच के सबवूफर यूनिट के साथ आने वाली इस साउंड बार के अंदर आपको इनबिल्ट डिजिटल एम्पलीफायर मिलेगा, जो कि सपोर्ट करता है डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस, DTS:X, DTS:HD और डॉल्बी एटमॉस को। वीडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो इस साउंड बार के अंदर आपको 4K पास थ्रू और डॉल्बी विजन की सपोर्ट देखने को मिलेगी। ये साउंड बार इनबिल्ट क्रोमकास्ट के साथ भी आती है और इसके अंदर आपको गूगल वॉइस असिस्टेंट और एलेक्सा की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। मिलिए LG की मेरिडियन टेक्नोलॉजी वाली साउंड बार से, अपने चारों तरफ से बुलेट्स, पीछे से आता हुआ हेलीकॉप्टर और जंगल में चारों तरफ से पत्तों की आवाज का एक्सपीरियंस लेना हो तो आप सही जगह आए हैं। कोई कॉम्प्रोमाइज किसी जगह नहीं किया गया, ना ही बेस कम है और ना ही मिड्स और हाइज में कोई कमी है। हर नोट इतना बेहतरीन तरीके से डिलीवर होता है
कि आप धोखा खा जाएंगे और चारों तरफ ढूंढने लगेंगे स्पीकर्स को। लेकिन ये डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल इफेक्ट तब तक शानदार है जब तक आपके लिविंग रूम की हाइट 12 फीट के आसपास है। 12 फीट से ज़्यादा इस साउंड बार के टॉप स्पीकर्स उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। हर कंटेंट प्ले होता है और गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा भी अच्छा काम करते हैं, बट इस साउंड बार का साइज बहुत बड़ा है। बट ये एक प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जो 65 इंच या उससे बड़ा टीवी यूज करते हैं और एटमॉस साउंड बार चाहते हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इस साउंड बार के अंदर आपको दो HDMI इन, एक HDMI आउट, एक ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट और एक USB पोर्ट देखने को मिलेगा। इस साउंड बार के अंदर आपको ब्लूटूथ SBC कोडेक को सपोर्ट करने वाला वर्जन मिलेगा 4.2 और ये साउंड बार आएगी डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ। ये साउंड बार है 57 इंचेस वाइड और वे करती है 7.5 kgs। मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है सोनी का ST5000 मॉडल। इस साउंड बार के अंदर आपको 7 स्पीकर्स फ्रंट पे मिलेंगे, 2 सराउंड स्पीकर्स टॉप पे मिलेंगे और एक एक्सटर्नल सबवूफर मिलेगा। सभी स्पीकर्स का मिला के टोटल आउटपुट है 400 वॉट्स और सबवूफर का भी 400 वॉट्स, जो बनाता है टोटल आउटपुट को 800 वॉट्स का। एस मास्टर एक्स डिजिटल एम्पलीफायर के साथ इक्विप्ड ये साउंड बार सपोर्ट करती है डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी डिजिटल प्लस, DTS एक्स, DTS HD और डॉल्बी एटमॉस को। वीडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो ये साउंड बार आती है 4K पास थ्रू, HDR 10, HLG और डॉल्बी विजन की सपोर्ट के साथ। इस साउंड बार के अंदर आपको गूगल क्रोमकास्ट इनबिल्ट मिलेगा और साथ में ही गूगल वॉइस असिस्टेंट की सपोर्ट भी मिलेगी। इस साउंड बार के अंदर आपको Spotify कनेक्ट भी देखने को मिलेगा। 800 वॉट की ये साउंड बार एक अच्छे खासे घर को हिला के रख दे और मैं इस साउंड बार की हाफ वॉल्यूम में हिल गया। एक अच्छे खासे होम थिएटर को फील कर दे, ये एक ऐसी साउंड बार है। द बेस दैट यू नीड, द एटमॉस इफेक्ट दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड, सब यही मिलेगा। आप इस साउंड बार में एक मूवी देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप अपने घर पे हैं, सिनेमा हॉल में नहीं। ये एक साउंड बार है जो हर तरीके से परफेक्ट है, बेस्ट ऑडियो, बेस्ट डिजिटल साउंड, बेस्ट एटमॉस इफेक्ट, पर फिर भी सब कुछ बहुत बैलेंस्ड, एंड दैट्स सिंपली वाओ। हर फॉर्मेट प्ले होगा, हर HDMI इनपुट से आपको डॉल्बी विजन और 4K पास थ्रू मिलेगा और सभी टाइप की कनेक्टिविटी ऑप्शंस। वाकई सोनी हैज क्रिएटेड अ मास्टरपीस और इस सिस्टम में कोई भी कमी नहीं है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात करें तो इस साउंड बार के अंदर आपको 3 HDMI इन और एक HDMI आउट पोर्ट के साथ साथ ऑप्टिकल ऑडियो पोर्ट, LAN पोर्ट, USB पोर्ट और एक हेडफोन जैक देखने को मिलेगा। इस साउंड बार के अंदर आपको ब्लूटूथ SBC और AAC कोडेक की सपोर्ट मिलेगी और वर्जन होगा 4.2। इस साउंड बार में आपको डुअल बैंड वाईफाई कनेक्टिविटी ऑप्शन भी मिलेगी। ये साउंड बार है 47 इंचेस वाइड और वे करती है 8.2 kgs। मैंने इस सोनी के मॉडल को यामाहा की YSP5600 साउंड बार के साथ कंपेयर किया था। यामाहा में सोनी के मुकाबले आउटपुट और बेस थोड़ा कम है। एक्स्ट्रा सबवूफर लगा के ये प्रॉब्लम तो दूर हो सकती है, लेकिन कॉस्ट 1.75 लाख हो जाती है, इसलिए सोनी ही मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे है। दोस्तों, इन सभी प्रोडक्ट्स के डायरेक्ट सेलर लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। कुछ सेलर्स कम प्राइस पे ग्रे मार्केट प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिनकी कोई भी ब्रांड वारंटी नहीं देता। बेहतर होगा आप उन सेलर्स को अवॉइड करें। दोस्तों, मैंने ऐसे और भी कई वीडियोस बनाए हैं जिसमें हर रेंज की साउंड बार्स और होम थिएटर्स को मैंने कवर किया है। उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जरूर चेक करें। और कल मैं आपको दिखाऊंगा अंडर 50,000 रुपीज बेस्ट होम थिएटर्स जो डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी डिजिटल जैसी टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर मैंने आपके पहले के कमेंट या सवाल का जवाब अभी तक आपको नहीं दिया है तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, मैं टेस्टिंग्स में बहुत ज्यादा बिजी था। और आप मुझसे अपना सवाल दोबारा पूछ सकते हैं या तो कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे। और मैं आपसे मिलता हूं जल्दी ही अपने दूसरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।